एवरीवन वेलकम टू डीजी प्लॉट। आज हम आपको बॉक्सर ब्रीड के बारे में बताएंगे। बॉक्सर इज अ लार्ज टू मीडियम। इसका कोट बहुत शॉर्ट होता है और बहुत थिक कोट होता है। इसमें ब्रिंडल ब्राउन कलर आते हैं। इसमें वाइट कलर भी आपको मिल जाएगी। इसमें वाइट पैचिंग्स होती हैं और इसका जो जॉ होता है वो अंडर बाइट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बाइट होती है। इसको ओरिजिनली ब्रेड किया गया था सबसे पहले जर्मनी में, और इसके जो एंसेस्टर्स हैं अब उनको नहीं ब्रीड किया जाता, अब हम उनको इस ब्रीड को बॉक्सर बोलते हैं। इसका मज़ल बहुत स्ट्रांग होता है। ये प्रे पे आराम से अगर आप इसको बाइट वर्क सिखाना चाहें तो ये बहुत अच्छी ब्रीड है उसके लिए। प्लस ये शोज़ में आपको इजीली दिख जाएगी। हमारे पास आज आईवी है, इसका नाम है स्कॉच। स्कॉच के चेस्ट पे वाइट मार्किंग्स हैं और इसके चारों पैरों पर वाइट मार्किंग्स हैं। ये अराउंड 5.5 मंथ ओल्ड बॉक्सर है। आप इसका मज़ल देख पा रहे हैं, ही हैज़ अ स्ट्रांग मज़ल। इसकी बाइट अंडर बाइट होती है, अंडर बाइट बोलते हैं। अगर आप इसको और पढ़ना चाहें तो आपको गूगल पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा। स्कॉच बहुत ओवर एक्साइटेड डॉग है, इसमें बहुत हाइपर एक्टिव डॉग है। इसको हमारे पास आए हुए अभी 5 दिन हो गए हैं। ये ओरिजिनली आई थी डे बोर्डिंग के लिए, बट देन द फैमिली डिसाइडेड, दीपक भैया डिसाइडेड दैट शी शुड गो फॉर ट्रेनिंग ऑल्सो। दे हैव सीन सम ऑफ आवर टॉपिक्स एंड लाइक दिस शी शुड बी ट्रेन। सो वी कैन नाउ शो यू सम थिंग्स हाउ टू टैकल अ डॉग नाउ, लाइक शी नोज शी डजंट हैव टू बी लाइक यू नो हाइपर विद मी। अभी मैं भी इसको थोड़ा वॉक करवाता हूँ उधर। अच्छा, मैं थोड़ा बहुत देखो इसको प्रेस करता हूँ। ये नोटिस कि ये अपने आप से खुल करने लग जाती है। अगर मैं इसको इधर लेके जा रहा हूँ, इसको इधर उधर सूंघना है ना, कसर नीचे रह रहा है, शुड ऑलवेज में ये अपनी मर्जी से चली जाएगी। अगर मैं आ रहा हूँ तो मुझे खींचना पड़ रहा है ना। सो वी कैन करेक्ट फ्यू ऑफ दोज थिंग्स दैट वी डोंट हैव टू पुल हर। हमारे को खींचना ना पड़े या डॉग हमारे आगे ना जाए। She doesn't understand any of the command. Like normally आपका dog आपके पास बैठा रहना चाहिए इस टाइम पर, but she doesn't do any of this thing. So we're gonna teach you how to do them. Sorry, it's a little urine break for Scotch. Come, good girl. So basically, अगर आप चाहते हैं कि आपका dog हमेशा आपके साथ heel position में walk करे, so all you need is अच्छी treat जो भी आपके dog को पसंद है। You need a space जहाँ other dogs ना हो, other distractions ना हो। Once your dog is hooked up with a treat, like for example Scotch, good girl. सबसे पहले आप उसको ट्रीट खिलानी सिखाएं और आपके हिसाब से आपकी ट्रीट खानी चाहिए। जब वो ट्रीट खाएगी, अब उसको पता है कि सिट होना होता है। मैं उसको ट्रीट देता जाऊँगा इनिशियली। आप अगर घर पे ट्रेन करें, अगर आप प्रोफेशनल नहीं है, आपने डॉग के साथ काम नहीं किया, आपको घर पे ट्रेन करना, तो आपको थोड़ा समय लगेगा वो इंटरेक्शन लाने में। अब मुझे हमेशा डॉग चाहिए होता है सामने देखता हुआ, उसकी आँखें मेरी आँखों में हो। अगर मैं किधर ही देख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल इसका ध्यान इधर उधर जाता है, जब ये अब मैं हाथ में ट्रीट लेता हूँ और मैं चाहता हूँ ये मेरे को देखे आराम से, एंड मैं इसको ट्रीट देता हूँ। जब आप अपने ट्रीट अपने हाथ से खिलाते हो तो आपका बॉन्डिंग भी अपने डॉग से बहुत अच्छा होता है। आप बाद में हैंड वॉश कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वी लव आवर डॉग्स, सो दैट्स अ नॉर्मल थिंग। इट्स लाइक फीडिंग योर ओन चाइल्ड, इट इज़ लाइक योर ओन चाइल्ड। सो आई वॉन्ट हर टू ऑलवेज लुक अप टू मी, हर चीज़ में आई वॉन्ट हर टू लुक अप टू मी। So now we'll check her walk. Scotch, come. Yes, good girl. Scotch, yes, good girl. अगर आप notice करेंगे, मैं इसको allow ही नहीं कर रहा हूँ आगे जाने देने का। Yes, Scotch, good girl, good girl, good girl. So अगर मैं इसको walk, Scotch, Scotch, yes, 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 good girl. मैं बेसिकली पॉजिटिव तरीकों से डॉग को सिखाना पसंद करता हूँ। ऑलवेज लव, गुड गर्ल, हील। इसको हमने सिखा रखा है, कुछ वर्ड्स हमने सिखाए हैं 4-5 दिन में, ताकि आराम से वॉक करे। क्योंकि हमारे जो दीपक भैया है, दीपक भैया आउट ऑफ टाउन रहेंगे, उनके पेरेंट्स इसका ध्यान रखेंगे। सो वी वॉन्टेड टू बी एज स्मूथ एज पॉसिबल विद द फैमिली वाल वॉकिंग वाल सिटिंग वाल डूइंग एवरीथिंग। शी शुड नॉट पुल। वी गोना गिव यू अनदर राउंड टू शो यू स्कॉच कम। यस, आप शुरू में ट्रीट होल्ड कर सकते हैं, सो हर माइंड विल बिकम लाइक दैट, देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ ट्रीट। अभी मुझे वो परफेक्ट वॉक नहीं मिल रही है जो मुझे चाहिए होती है, एंड दैट इज ओके फॉर मी, दैट इज ओके। इफ शी वॉन्ट्स, इफ शी डजेंट गिव मी अ परफेक्ट वॉक, आई एम ओके विद इट। इफ आई वॉक हर लॉन्ग नाउ, इफ आई मूव फास्ट, स्कॉच, यस, 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 यस। और मैं इसको लंबा भी लेके जाता हूँ, so she would always should look up to me like this। और ये डॉग हमेशा ऊपर देखना चाहिए,
अब शुरू में आपको टीट के ऊपर लाना पड़ेगा, फिर वो कमांड्स पे आ जाएगा, उसका दिमाग वैसे ही काम करेगा। अगर मुझे वॉक करनी है, मुझे वॉक बहुत अच्छे तरीके से करनी है। यस गुड गर्ल, वी गोना गिव यू अनदर राउंड, अ लिटिल फास्टर। गुड गर्ल, स्कॉच, यस यस स्कॉच, यस गुड। अब आप देख पा रहे हैं कि लीश जो है वो एकदम लूज है और डॉग ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड नहीं है कंपैरेटिवली। एक छोटे से करेक्शन से आपका गुड गर्ल, यस। छोटी छोटी चीज़ें जो आप जितने भी कमांड चाहते हैं अपने डॉग से, आप पेशेंस रखें अपने डॉग के साथ, आप उसको धीरे धीरे सिखाएं। डू नॉट रश योर डॉग, डू नॉट फोर्स योर डॉग, डू नॉट बीट योर डॉग। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आस्क फॉर एन एक्सपर्ट ओपिनियन, ऑलवेज फाइंड एन एक्सपर्ट जो आपको अच्छे से हेल्प कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई मूव नाउ, डजंट मैटर हाउ मच आई मूव माई डॉग, शी ऑलवेज शुड बी वॉकिंग लाइक दिस। यस गॉच, यस, बट नाउ शी इज डन विद हर ट्रेनिंग, सो आई एम गोना गिव हर अ गुड ट्रीट एंड अ लॉट ऑफ प्रेजेस। गुड गर्ल स्कॉच, यस गुड गर्ल स्कॉच, यस स्कॉच, गुड गर्ल स्कॉच।